आज मैं बनाऊंगी चिकन भट्टा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ये त्रिपुरा का रेसिपी है, उसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके बना रही हूँ। सबसे पहले चिकन को सिंपली बॉईल कर लिया है 3 to 4 विसल्स प्रेशर कुकर में, थोड़ा सा नमक देके और कुछ नहीं दिया है, और फिर उसको ऐसे श्रेडेड पीसेस जैसे कर लिया है। अभी इसको मैं पैन रोस्ट कर रही हूँ चिकन पीसेस को विदाउट एनी ऑयल। चिकन रोस्ट हो चुके हैं, पैन रोस्ट, मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आज एक्चुअली 31st नाइट है, तो चारों ओर म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, सब पार्टी मोड में है। अब मैं कुछ रेड चिलीज, ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर क्रस्ट थोड़ा सा पैन रोस्ट कर लूँगी। ये रोस्ट हो चुका है, आप ऐसे हाथ से ऐसे तोड़ लेना थोड़ा सा ऐसे करके। फिर उसी बोल में ये सब कुछ डाल दीजिए। नेक्स्ट हम पैन रोस्ट करेंगे गार्लिक, जिंजर, अनियन, ये एक साथ ही कर लेंगे। ये पैन रोस्ट हो चुका है, हम उसी बोल में सब कुछ अभी डाल देंगे। अभी ढेर सारा धनिया पत्ता, नींबू का रस, सॉल्ट टू टेस्ट, अभी तक इसमें कोई तेल वेल ऐड नहीं हुआ था, तो मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही हूँ। अगर आपको सरसों का तेल तेज़ लगता है तो आप वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, या आप ये सिर्फ विदाउट ऑयल भी खा सकते हो, बहुत यम्मी लगता है वैसे भी। अब अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्सिंग हो चुका है, देखने में बहुत यम्मी लग रहा है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, या सिर्फ सलाद के साथ भी खा सकते हो। एंजॉय।